अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेक चिकन बनाएंगे, जिसके लिए हमने चिकन लेनी है पूरी एक अदद, प्लेन योगर्ट लेना है, दही 1½ कप, प्याज हमने 1 लेना है मीडियम साइज का, लहसुन लेना है लहसुन चॉप 1/2 टेबलस्पून, बटर को हमने मेल्ट कर लेना है 3 टेबलस्पून, हरा धनिया लेंगे कटा हुआ 1 कप के बराबर ले लें, थोड़ा ज़्यादा हरा धनिया डाल लें, टमाटर की पेस्ट डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, ये आपकी मर्जी है, अगर कम खाते हैं तो 2 डाल लें वरना 3 डाल लें, लेमन जूस 2 अदद लेमन जो है ये आप निचोड़ लें। मसालों में हमें चाहिए तंदूरी मसाला लेंगे 3 टेबलस्पून, रेड फूड कलर लेंगे 2 चुटकी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या ना डालें, नमक डालेंगे 1½ टीस्पून या 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कसूरी मेथी लेंगे 1½ टीस्पून। अब हमने एक ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर के अंदर हमने दही डाल देना है 1½ कप, प्याज लेंगे मीडियम साइज का 1 अदद, हरी मिर्चें लेंगे 3 अदद, कम खाते हैं तो 2 डाल लें, लहसुन चॉप किया हुआ डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, कसूरी मेथी डालेंगे 1½ टीस्पून, तंदूरी मसाला डालेंगे 3 टेबलस्पून, लेमन जूस डालेंगे 2 अदद लेमन का जूस निकाल लें, बटर मेल्ट किया हुआ लेंगे 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 2 टीस्पून, नमक लेंगे 2 टीस्पून या 1½ टीस्पून, नमक 2 टेस्ट, हल्दी डालेंगे 1 टीस्पून, टमाटर की पेस्ट डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून, आप टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं या टमाटर की पेस्ट ले लें, 4 से 5 टेबलस्पून डाल लें। हरा धनिया डाल लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डाल लें जितना भी हो, ये हमने रेड फूड कलर डालना है 2 चुटकी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, इससे ये कि चिकन का कलर जो है ये खूबसूरत हो जाता है, बहुत मज़ेदार चटपटी चिकन तैयार हो जाती है। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना है, ब्लेंड कर लेना है, इसकी हमने पेस्ट बना लेनी है। अब हमने पिसा हुआ मसाला चिकन के ऊपर डाल देना है, चिकन को आपने अच्छी तरह से वॉश करके छाननी में रखना है ताकि चिकन के अंदर पानी ना हो। अब आप मसाला टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक मिर्च आप जितना भी तीखा रखना चाहें कर सकते हैं। मसाला डालकर हमने मिक्स कर देना है पूरी चिकन में, बहुत चटपटी जायकेदार चिकन तैयार हो जाती है। इस चिकन को आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत आसान और इजी है, कोई काम नहीं है और झटपट से ही मज़ेदार चिकन तैयार हो जाती है, अगर आप पूरी रात रखें तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हमने इसको ढाँक कर 3 से 4 घंटे हमने मैरिनेट करना है, कम से कम 2 घंटे आप ज़रूर मैरिनेट करें। अब हमने 1 गिलास की ओवन सेफ ट्रे लेनी है पायरक्स की, आपने इसको मेटल की ट्रे में बेक नहीं करना, उससे ये कि टमाटर का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं बनता, आपने शीशे की ट्रे लेनी है ओवन सेफ। चिकन को हमने 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, अब हमने इसको एक ट्रे में डाल देना है ओवन ट्रे में।
को हमने 350 डिग्री पर प्रीहीट कर लेना है। अगर आप अमेरिका से बाहर रहते हैं तो फिर आप 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को गर्म कर लें। अगर अमेरिका में रहते हैं तो फिर 350 डिग्री पर ओवन को गर्म कर लें। ट्रे के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल जो है हमने अच्छी तरह से लगाकर सारी साइडों से इसको बंद कर देना है। अब चिकन हमारी रेडी है, ट्रे हमारी रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन को हमने 350 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है। चिकन को हमने पहले 35 मिनट तक बेक करना है। चिकन को हमने 35 मिनट तक बेक कर लिया है। अब हमने इसको उतार देना है कवर को। अब हमने साइडों से अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर देना है। सारी चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने दोबारा से अमोनियम फॉइल लगा देनी है। अब हमने दोबारा से एल्युमिनियम फॉइल जो है इसके ऊपर लगा देनी है। अब हमने चिकन को उठाकर ओवन में रख देना है। 35 मिनट तक हमने इसको दोबारा से बेक करना है। चिकन को हमने 35 मिनट तक और पका लिया है। अब हमने एल्युमिनियम फॉइल जो है इसको हटा देना है। चिकन को हमने मिक्स कर देना है। अब हमने 10 मिनट के लिए एल्युमिनियम फॉइल के बगैर इसको कुक करना है। अब हम 10 मिनट चिकन को और बेक करेंगे। चिकन को हमने एल्युमिनियम फॉइल उतार कर 10 मिनट तक कुक कर लिया है। अब चिकन हमारी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चिकन हमारी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हमारी बहुत ही मजेदार तंदूरी बेक चिकन तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देख लें, बहुत मजेदार टेस्ट है, चटपटी है, जायकेदार है। आप इसको रोटी के साथ खाएं या नान के साथ, तंदूरी रोटी हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। बिल्कुल मीट जो है ये गल चुका है,
बेहतरीन जायका है और कोई काम नहीं है, बहुत पकाने में आसान है। सिर्फ आपने मैरिनेट करनी है और पकने के लिए रख देनी है। 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें या पूरी रात रखेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें चिकन में फ्लेवर निकल कर आएगा। बेहतरीन जायका है, इसको आप रोटी के साथ खाइए और भरपूर मज़ा लीजिए। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार बेक चिकन तैयार है, आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।